आज हम बात करने वाले हैं नेपाल और इंडिया, नेपाल चाइना के बारे में बात। नेपाल को ऐसे क्या चीजों की जरूरत पड़ती है जो वो इंपोर्ट करता है, और वो इंपोर्ट कभी इंडिया से करता है, कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना से। तो आज हमारे पास इसी तरीके से एक वीडियो आई है जिसमें ये बात की जा रही है नेपाल को ऐसी चीज की जरूरत पड़ी है कि जो वो इंडिया से इम्पोर्ट तो कर रहा है अभी तक, बट इंडिया ने अपने रेट्स बढ़ा दिए और क्वालिटी गिराई है, जिसके बाद अब वो चाइना की तरफ जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना है, इस टाइम पे नेपाल स्टील का काफी बड़ा इम्पोर्ट इस टाइम पे वो चाइना की मिल्स को दे दिया है, वो चाइना की तरफ से करेगा। चलिए रिपोर्ट देखते इंडियन मीडिया का और इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रही है कि क्यों नेपाल इंडिया के बजाय अब चाइना से चीजें लेने वाला है। नेपाल में भारतीय सामान का दौर अब काफी तेजी से खत्म होना शुरू हो चुका है, और नेपाल अब एक ऐसी चीज का इंपोर्ट भारत से घटाने लगा है जिसके लिए अभी तक नेपाली इंडस्ट्री पूरी तरीके से भारत पे डिपेंडेंट थी। कमाल की बात यह है कि इस बार नेपाल केवल $50 बचाने के लिए भारत से सप्लाई धीरे धीरे घटाना शुरू कर चुका है। आपने एकदम सही सुना, केवल $50 के लिए भारतीय गुड्स को अब चीनी गुड्स रिप्लेस करने लगे हैं। यहाँ पे हम स्टील की बात कर रहे हैं, और आपको बता दें कि नेपाल में अभी तक 95% स्टील भारत से ही सप्लाई की जाती है, जो अब धीरे धीरे घटने लगी है। आंकड़ों से समझें तो नेपाल भारत से हर साल करीबन 1.5 मिलियन टन सेमी फिनिश स्टील और 1 मिलियन टन फिनिश स्टील इंपोर्ट करता है, लेकिन चीनी स्टील अब नेपाल को सस्ती लगने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति टन भारतीय स्टील चीनी स्टील से करीबन $50 ज्यादा महंगी है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसी अक्टूबर में नेपाली मिल्स ने करीबन 1,00,000 टन हॉट रोल कॉइल्स यानी कि HRC का ऑर्डर चीनी मिल्स को दिया। बात करें फ्लैट स्टील के एक्सपोर्ट की, तो सितंबर 2023 में भारत का नेपाल को एक्सपोर्ट 27% घटा है, जो अभी तक रिकॉर्ड की गई स्टील एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी गिरावट है। देखिए कमाल की बात ये है कि चीनी स्टील तब सस्ती है जब नेपाल तक पहुंचने का रास्ता काफी लंबा है। इसके मुकाबले नेपाल और भारत के बीच आसान लैंड बॉर्डर होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कई गुना कम हो जाती है, लेकिन फिर भी भारत का नेपाल में स्टील एक्सपोर्ट शेयर गिरता चला जा रहा है। चीन के बाद भारत स्टील प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में एक काफी बड़ा डिफरेंस भारत और चीन के बीच देखा जा सकता है। जहां चीन हर साल 1,885 मिलियन मेट्रिक टन स्टील का प्रोडक्शन करता है, वहीं भारत में केवल 154 मिलियन मेट्रिक टन स्टील ही प्रोड्यूस की जाती है। इनफैक्ट चीन पूरी दुनिया का 58% स्टील खुद से प्रोड्यूस करता है, और शायद इतने बड़े बल्क प्रोडक्शन का ही नतीजा है कि नेपाल को चीनी स्टील ज्यादा सस्ती पड़ती है। चीन एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बेस्ड है जहां से दुनिया के ज्यादातर देशों को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। एशिया में रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर देश चीन से या तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या फिर चीन के काफी करीब हैं। यही वजह है कि चीनी स्टील की डिमांड इन देशों में काफी ज्यादा है, लेकिन नेपाल में भारतीय स्टील का मार्केट खोना सच में किसी धक्के से कम नहीं है। हालांकि इसके पीछे नेपाल की चीनी समर्थक सरकार को भी एक वजह माना जा सकता है। अभी भी भारत का शेयर नेपाल में 90% से ज्यादा ही है, लेकिन जिस रेलवे लाइन पे चीन और नेपाल मिलकर काम कर रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ऑलरेडी नेपाल में भारतीय ऑटोमोबाइल का मार्केट गिरने लगा है, और कुछ नए सेक्टर्स में भी भारत को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आखिर में हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या कहीं ना कहीं इसमें भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की भी गलती है जो चीनी फैक्ट्री से कम्पीट नहीं कर पा रहे। हाँ ना में अपना जवाब दिए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो वीडियो देखिए, आपने इंडियन मीडिया का रिपोर्ट भी आप लोगों ने देख लिया, और आप लोगों को पता चल चुका है कि देखिए इस टाइम पे नेपाल काफी सारी चीजें इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा है, इंडिया अपनी क्वालिटी गिरा रहा है और अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से नेपाल अब जो है इस मौके पे आ चुका है कि वो दूसरी कंट्रियों से इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दे। देखिए चावल की इम्पोर्ट जो है पाकिस्तान से कर दी है, चीनी की इम्पोर्ट नेपाल इस टाइम पे पाकिस्तान से कर रहे हैं। अब अगर स्टील की बात जहां तक आ रही है, तो स्टील की इम्पोर्ट इस टाइम पे वो चाइना से कर रही है, और कुछ ऐसी चीजों की जरूरत नेपाल को पड़ी है जो इस टाइम पे नेपाल ने चाइनीज मिल्स को दे दिए। चाइनीज मिलों के अंदर ये काम सारे हो रहे हैं, और नेपाल को आगे आने वाले वक्त में ये सारी चीजें और भी चाहिए होंगी और उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से नेपाल जो है वो और भी काम कर रहा है। आप सबको पता है कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है चीजों की, वो इम्पोर्ट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर, उनकी फैक्ट्रीज इतनी नहीं है कि वो खुद बनाए, खुद क्रिएट करें, उसको जरूरत पड़ती है इम्पोर्ट करने की। चावल खाने की चीजें वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, पहले इंडिया से करता था, इंडिया ने बैन लगा दिया, वो पाकिस्तान से कर रहा है। चीनी की जरूरत पड़ती है, चीनी की क्वालिटी गिरा दी, वो पाकिस्तान से कर रहा है। फर्टिलाइजर सिस्टम के बारे में बात करें, हम खादों की बात करें, इंडिया से इंपोर्ट करता था, इंडिया ने क्वालिटी गिरा दी है, अब वो जो है चाइना से ले रहा है। ये थी सारी रिपोर्ट, अगर आप लोगों ने देखी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।